हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज फिर से एक दिन हमने तेजी का माहौल देखा मार्केट में, और अब जो ये तेजी बन रही है लंबे समय के लिए बन रही है तेजी। 16,350 का जो हमने गैप किया, फिर ऊपर की तरफ हमने गैप अप ओपनिंग देखा 16,350 से 16,550 के लेवल पे कल के दिन पे। लग रहा था कि आज थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन फेज होगा, वो सुबह फर्स्ट हाफ में हमने देखा। लेवल्स सेम लेवल्स पे निफ्टी ने ओपन किया है, जहाँ पे हमने कल क्लोजिंग दिया था, यानी 16,530 के आसपास हमने कल क्लोजिंग दिया था, उसी लेवल्स पे मार्केट ने ओपन किया आज। उसके बाद एक सुस्त का माहौल, सुस्त बड़ा कह सकते कंसोलिडेशन फेज रहा मार्केट में, और उसके बाद एक कह सकते टर्न अराउंड होने की तैयारी में था निफ्टी। और सोलह पाँच सौ नब्बे के लेवल्स को निफ्टी ने फिर से एक बार स्पॉट में टेस्ट किया। फ्यूचर्स में 16,000 के एग्जैक्ट लेवल्स पे निफ्टी ने टेस्ट करके वहाँ से रिवर्स हुई निफ्टी, और अगेन 16,530 16,525 के लेवल्स पे फिर से निफ्टी ने करीबन 2 बजे इस लेवल्स को फिर से टेस्ट किया, और 2 बजे के बाद फिर से ऊपर की तरफ टर्न अराउंड हुआ, और सक्सेसफुली आज हमने 16,600 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। तीस मई का अगर हम क्लोजिंग देखें तो 16,661 का था, उसके बाद हम पहली बार हमने 16,600 के ऊपर आज हमने क्लोजिंग दिया है। तो इस तरीके का जो क्लोजिंग मिला है आज हमें, अब ये लग रहा है कि 16,650 का लेवल नीचे की तरफ होगा और ऊपर की तरफ बनेगा 16,850 का। अगर कल के दिन पे भी 16,600 का हमें क्लोजिंग मिलता है या 16,600 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है, तो अब क्लियर कट कह सकते हैं रेंज चेंज हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी रेंज। जो 16,300 से लेके 16,600 की रेंज थी, अब वो रेंज हो जाएगी 16,650 से 16,850 के रेंज की। तो इस समय मार्केट में काफ़ी सारे सेक्टर्स जो काफ़ी समय से अंडर परफॉर्म कर रहे थे, आज हमने उसमें परफॉर्मेंस होते हुए देखा। सबसे पहला सेक्टर FMCG सेक्टर में काफ़ी दिनों से परफॉर्मेंस था, लेकिन जो स्टॉक्स FMCG सेक्टर में चल नहीं रहे थे, वो स्टॉक्स ने आज परफॉर्मेंस दिया है। टाटा कंज्यूमर उसमें से एक है, डाबर उसमें से और एक है, और ITC ने करीबन 2 साल के बाद आज 300 के लेवल्स को फिर से टेस्ट किया है। तो ऐसे कई सारे अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स थे जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन आज के दिन पे अच्छे से परफॉर्म किया है। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि यहाँ से बुल मार्केट की फिर से एक बार शुरुआत हो चुकी है, और अब यहाँ पे कह सकते जो वर्स्ट सिनारियो था 16,000 के लेवल्स या फिर 15,700 के लेवल्स, अब वो यहाँ पे नियर टर्म में बिल्कुल भी आते हुए नहीं दिख रहे हैं। साथ ही में केमिकल सेक्टर में अच्छा खासा बाउंस बैक देखा, आरती इंडस्ट्रीज, टाटा केमिकल, UPL, दीपक नाइट्रेट, ये सभी स्टॉक्स में एक कह सकते हैं वॉल्यूम बेस्ड बाइंग हुआ है। और सुबह अगर हम देखें तो कंसोलिडेशन फेज में शुगर सेक्टर अच्छा ऐसे चल रहा था, द्वारके शुगर, बलरामपुर चीनी, EID पेरी शुगर, सभी शुगर स्टॉक्स में सुबह कह सकते हैं फर्स्ट हाफ में अच्छा खासा मोमेंटम था। कंजम्पशन स्टॉक्स की बात करें तो जुबिलेंट फूड्स में अच्छा मोमेंटम था, क्रॉम्पटन ग्रिल्स में अच्छा मोमेंटम था। तो काफ़ी सारे सेक्टर्स, काफ़ी सारे स्टॉक्स जो काफ़ी समय से अंडर परफॉर्म कर रहे थे या इतना आउट परफॉर्म नहीं कर रहे थे, आज के दिन पे उन्होंने अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस दिया। टाटा कम्युनिकेशन फर्स्ट हाफ में बेहतरीन तेजी के साथ ऊपर की तरफ चला है, और उसका कारण था क्योंकि टाटा कम्युनिकेशन में कल के दिन पे अच्छे रिजल्ट्स आए, और जो रिजल्ट्स पिछले 5 क्वार्टर के थे उससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स टाटा कम्युनिकेशन में इस क्वार्टर में दिए हैं, जिसके चलते आज हमने 10% की अपर सर्किट देखी टाटा कम्युनिकेशन में। साथ ही में हमने देखा आरती इंडस्ट्रीज़ में क्लोजिंग के समय एक बेहतरीन रैली बना, दीपक नाइट्रेट में क्लोजिंग के समय बेहतरीन रैली बना, तो काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स थे जिसमें एक बेहतरीन रैली क्लोजिंग के समय पे बनी। और इसी हफ्ते मैंने 2 स्टॉक्स को सजेस्ट किया था स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन Q1 नंबर्स, मैं पिछले 10 दिनों से ऐसे ही स्टॉक सजेस्ट कर रहा हूँ जो Q1 नंबर्स जिसके आने वाले हैं और बेहतरीन नंबर्स आने वाले हैं। 2 स्टॉक्स मैंने एक ही दिन पे सजेस्ट किए थे, एक था कजारिया सिरामिक, एक था PVR, आप मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और आज एक साथ दोनों के रिजल्ट्स आए 15 मिनट के ड्यूरेशन में करीबन 2 बजे के आसपास। पहले कजारिया सिरामिक के रिजल्ट्स आए और बेहतरीन रिजल्ट्स आए हैं कजारिया सिरामिक का, और उसके चलते यहाँ पे हमने देखा आज रैली भी अच्छा बना कजारिया में। 1,000 के लेवल्स पे सुबह से कंसोलिडेशन कर रहा था ये स्टॉक, और जैसे रिजल्ट्स आए इसने हाई किया 1042 का, उसके बाद सेकेंड इसका हाई बना 1050 का, और इसने हाईएस्ट पॉइंट इसका टच किया आज के दिन पे, इंट्राडे अगर हाई देखे तो इसका था 1075 के आसपास। अभी मौका है कजारिया सिरामिक में, जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट किया है, मैं कल डिटेल वीडियो बनाऊंगा कजारिया सिरामिक के रिजल्ट्स पे, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, समझिएगा लेवल्स को और उस हिसाब से कजारिया सिरामिक्स में एंटर कीजिएगा। दूसरा PVR की बात करें तो PVR का मैं
कह सकते उसी दिन मैंने पी वी आर के रिजल्ट कह सकते एस्टिमेट्स दिए थे उस वीडियो में पी वी आर के, और पी वी आर भी मैंने रिकमेंड किया था कि क्वार्टर वन के नंबर्स के बेसिस पे पी वी आर आप बाई कीजिए और पी वी आर के नंबर्स भी बेहतर रहना है। ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों नंबर्स अच्छे आए हैं। पी वी आर का भी रिजल्ट का कल एस्टिमेट और कह सकते रिजल्ट के पूरा एनालिसिस कल के दिन पे आपको मिल जाएंगे वीडियो में, और उसका भी कैसे अभी लेवल्स अगर आपने मिस आउट किए हैं आज के दिन पे या अपॉर्चुनिटी मिस आउट किया, रैली मिस आउट किया है, तो अभी मौका है पी वी आर और आईनॉक्स जैसे शेयर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज के दिन पे पी वी आर का हाईएस्ट पॉइंट देखे तो 1975 का था, और जब रिजल्ट आए तब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था करीबन 1925 के आसपास, तो रिजल्ट के बाद 50 रुपीज़ का स्टॉक ने मोमेंटम दिया। तो ऐसे कई सारे स्टॉक्स थे जिन्होंने आज अच्छा मोमेंटम दिया, और ऐसे कई स्टॉक्स है जो आने वाले दिनों में अच्छा मोमेंटम देने वाले हैं। आज के दिन पे ऐसे दोस्त बैंकिंग स्टॉक्स लाया हूँ जिनके क्वार्टर वन के नंबर्स आने वाले 2 से 3 दिनों में और बेहतरीन नंबर्स हैं, और इस समय इस बैंक की निफ्टी की जो रैली बनी है पिछले 10 दिनों में ये दोनों स्टॉक्स में बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है बैंक निफ्टी की रैली में, और ये दोनों स्टॉक्स के नाम है एक्सिस बैंक और आईसीआईसी बैंक। तो इस वीडियो में एक्सिस बैंक का कह सकते हैं क्वार्टर वन के नंबर्स कैसे आने वाले वो देखेंगे, और अगर आपका ऑब्जेक्टिव मैच होता है तो एक्सिस बैंक को क्वार्टर वन के नंबर्स पे बेसिस पे इन्वेस्ट कीजिए, अच्छा खासा मोमेंटम आने वाले 2 से 3 दिनों में या फिर रिजल्ट के दिन पे एक्सिस बैंक में आपको मिल जाएगा। एक्सिस बैंक की बात करें तो बैंक निफ्टी में काफ़ी समय से ये अंडर परफॉर्म कर रहा था बैंक निफ्टी की बात करें तो, लेकिन अब एक्सिस बैंक ही लीड कर रहा है बैंक निफ्टी की इस बुलिश जर्नी को। वीडियो की शुरुआत में मार्केट जैसे मैंने कहा आज अच्छा खासा लेवल हमें मिला है 16650 का, 16630 के आसपास का क्लोजिंग का, और अब क्लियर कट यहाँ पे जो नीचे की तरफ सपोर्ट बना है वो 16500 का बना है निफ्टी का, और ऊपर की तरफ अब रेजिस्टेंस बनेगा 16750 का, और उसके बाद 16800 के लेवल्स का। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आज पूरे दिन कह सकते हैं थोड़ा कंसोलिडेशन फेज रहा, लेकिन एंड में बैंक निफ्टी ने भी पार्टिसिपेट किया, और कल के दिन पे मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी अब 36600 की तैयारी कर चुका है, और आज ही के दिन अगर बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स में आए देखें तो करीबन 36350 के ऊपर का था, तो बैंक निफ्टी भी अब 36600 की तैयारी पर आ चुका है, और अगर 36600 भी उसने निफ्टी बैंक निफ्टी क्रॉस करता है तो सीधा हम 37500 के लेवल्स आराम से बैंक निफ्टी में आते हुए देख सकते हैं आने वाले 10 दिनों में। वीडियो की शुरुआत में दो सर्विसेज का और भी देना चाहूँगा जो हम प्रोवाइड करते हैं एवरी सैटरडे। YouTube लाइव में जुड़ जाइए दोपहर को 3 बजे, स्पेसिफिकली यहाँ पे आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आप टाइप कीजिए Q&A सेशन में, लाइव सेशन में उसी समय उसके आंसर्स मिल जाएंगे। दूसरा तरीका है एडवाइजरी प्रोडक्ट, 30 डेज 90 डेज दो तरीके पैकेज अवेलेबल है। दोनों पैकेजेस में पूरे महीने में 15 से 20 कॉल ऐसे दिए जाएंगे जो आप डिलीवरी बेस, इंट्राडे बेस, एफएनओ बेस काम कर पाएंगे, और साथ ही में आपके बैंक निफ्टी निफ्टी के ऑप्शंस कॉल प्रोवाइड किए जाएंगे, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को मैनेज किया जाएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्केट के रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे, और मार्केट आवर्स में आप हमारे साथ फ़ोन के थ्रू कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके एडवाइजरी प्रोडक्ट में जुड़ जाइए, यूट्यूब लाइव में जुड़िए, डबल बेनिफिट के साथ अपने पोर्टफोलियो को और भी बेहतरीन बनाइए। तो चलिए एक्सिस बैंक के रिजल्ट की बात करते हैं, कैसे रिजल्ट्स आने वाले हैं वो समझते हैं, क्वार्टर वन के एस्टीमेट्स क्या है। अरियंत कैपिटल जो ब्रोकिंग फर्म है उन्होंने क्वार्टर वन के अगर एस्टीमेट्स देखे एक्सिस बैंक के तो नेट प्रॉफिट 68% ईयर ऑन ईयर ज़्यादा दिख रहा है, और वैल्यूएशन अगर देखें तो 3632 करोड़ के आसपास यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट है, तो 3632 करोड़ का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर दिख रहा है, और अगर परसेंटेज वाइज ग्रोथ देखें तो 68% का ग्रोथ दिख रहा है यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 17% ज़्यादा दिख रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो 3% ज़्यादा दिख रहा है। वैल्यूएशन अगर देखें तो 9103 करोड़ के आसपास नेट इंटरेस्ट इनकम दिख रही है एक्सिस बैंक की, और प्री प्रोविजन्स अगर हम देखें तो 1% खाली डाउनफॉल है प्री प्रोविजन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 2% डाउन है। तो इतने खराब प्रोविजन्स नहीं है एक्सिस बैंक के इस क्वार्टर में, और नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो काफ़ी अच्छे से ग्रो हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 68% ईयर ऑन ईयर ज़्यादा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 12% कह सकते हैं कम है, लेकिन ईयर ऑन ईयर मोस्टली कंपेयर होते हैं सभी रिजल्ट्स, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम है एक्सिस बैंक में, और अगर इस एस्टिमेट्स के आसपास नंबर आए तो बेहतरीन मोमेंटम एक्सिस बैंक में हमें देखने मिलेगा। प्रभुदास लीलाधर की बात करें तो उनके हिसाब से जो एस्टिमेट है 61% का एस्टिमेट है उनके हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, वैल्यूएशन है नेट प्रॉफिट का
3490 करोड़ के आसपास, तो 3490 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट यहाँ पे ग्रोथ दिख रहा है एज़ पर प्रभुदास लीलाधर जो ब्रोकिंग फर्म है। और नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो उन्हें भी 17% का ग्रोथ दिख रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3% का सेम वैल्यूएशन आ रहा है। और वैल्यूएशन अगर हम देखें तो 9057 करोड़ के आसपास नेट इंटरेस्ट इनकम उनको दिख रही है, तो नेट इंटरेस्ट इनकम भी काफ़ी बढ़िया है। शेरखान की तरफ से रिसेंटली एक्सिस बैंक का टारगेट रिवाइज हुआ था 900 से 940 तक, तो 940 का यहाँ पे शेरखान की तरफ से बैंक निफ्टी ऑलरेडी मोमेंटम है, जैसे मैंने कहा 36600 की तैयारी में आ चुका है बैंक निफ्टी, और उस वजह से जिन दो बैंक ने इस बैंक निफ्टी के रैली को पुश किया है, कॉन्ट्रीब्यूट किया है मेजरली, वो है एक्सिस बैंक और ICICI। और उसमें से आज के पहला स्टॉक है एक्सिस बैंक, आज का दूसरा वीडियो आपको मिलेगा ICICI बैंक का, तो ज़रूर दूसरे वीडियो को देखिएगा। और जिन कह सकते हैं लेवल्स पे आपको कंफर्ट लग रहा है उन लेवल्स पे ज़रूर इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। स्पेसिफिकली मैं कहूँगा अगर आपको इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग या एडवाइजरी प्रोडक्ट के बारे में और कुछ जानना है, कोचिंग करना है, कंसल्टेशन लेना है, तो आप मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप डिटेल्स पे या फिर मुझे फ़ोन करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।